अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करना कि तुसी भी खैरियत ना लवोगे। मैं भी इंशाल्लाह खैरियत ना ला। तो अज काफ़ी अरसे तो बाद जेड़ा मैं हिकमत अपने भाई को इत्थे आया, और तुसी भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हिकमत बड़े अरसा जेड़ा एक साइड के उत्ते रहा। उनकी वजह आया सी कि हिकमत मंडियों तो जानवर नहीं खरीदा, बल्कि अपने इलाके के विचों अच्छे अच्छे जानवर जेड़े ने, बहुत खूबसूरत जानवर जेड़े ने, और सवारी वाले बगैर ऐब तो वह जानवर अपने को लैके आता है। यही वजह सी कि हिकमत जेड़ा है वो मंजरे आम से स्क्रीन नहीं आ रहा सी, और बावे नवाज की भी वीडियो इसलिए थोड़े को नहीं आ सकी कि मेरा मोबाइल जेड़ा वो इस टाइम मेरे को नहीं है। यह भी मोबाइल किसी को लैके आया, मेरे तो वट्सएप का नंबर जेड़ा है उनके तो राबता नहीं हो सकता। तुसी मेरे दूसरे लोकल नंबर के उत्ते कॉल करके इनफॉर्मेशन लै सकते जी। तो जनाब वीडियो थोड़े वास्ते लैके आए, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी वीडियो, और काफ़ी मेरे दोस्त कह रहे थे कि हिकमत भाई किधर गए, हिकमत भाई किधर गए जी, हिकमत भाई इधर ही हैं, और आपके लिए अच्छे अच्छे जानवर जो है ना, बहुत प्यारे आउट क्लास। और अच्छे जानवर की पहचान ये है कि अगर वो बंदा लेता है तो उसको तंग ना करे, बीमार ना हो। ये नहीं हो कि मंडियों की तरह नहीं है, ये टीके लगा के तो वो दे देते हैं, जब रात को सो जाते हैं तो पता लगता है जी ये मैं घोड़ा लेके आया हूँ, ये तो लंगड़ा निकला है। तो 2.5 लाख रुपया डूब गया, और रोटी पानी खिला के वो घोड़ा जो है ना उसको वो लगा देते हैं, भी ले जा भाई। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये घोड़ी आपके सामने इंशाल्लाह लेके आए हैं, अच्छी घोड़ी है। उसकी वजह ये कि स्क्रीन में चाहे आपको नज़र आ रही है, लेकिन आपका बाबा जो है वो इंशाल्लाह ताला हमेशा सच का साथ देते हैं, और सच का साथ देंगे। जो चीज़ ऐप वाली होगी आप, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें ही बता दूंगा, लेकिन मेरे सामने जो घोड़ी ये नज़र आ रही है, आपको भी ये घोड़ी नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत है। 4 साल इसकी जो बाद में कहूँगा वो पक्की होगी, 4 साल इसकी उम्र है, और इसका आप देख सकते हैं वजूद, माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव वजूद है, चुस्त है, ढीला नहीं है। ये चीज़ें देखने वाली है। मुझे आम लोग मंडी में मिलते हैं, वो कहते हैं बाबा जी मैंने घोड़ा ले लिया, पिछली मंडी में आपने वीडियो देखी होगी, मैं कहा कितने का लिया है, कहता बाबा जी 1.5 लाख का लिया है। मैं कहा अच्छा अब इसका नक्श बताऊं तुझे, तो मैंने जब उसको टांगों में दिखाया तो उसमें नक्श था। अब मैं क्या करूं, मैं कहा बेटा अब जाके वो सो जा तू, और 1.5 लाख रुपया तुम्हारा डूब गया। आपने ऐसी बात नहीं करनी, जानवर लेने हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरे लेने हैं, जिस तरह यह जानवर का वजूद है एक्टिव होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, और ये प्योर देसी जो इसकी ब्रीड है। और हाइट आप देख लें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, पैर इसके गामचियाँ खुर वगैरह गोल खुर की है, गामचियाँ आप देखेंगे तो गामचियाँ माशाल्लाह चारे गामचियाँ बिल्कुल ऐब से पाक हैं, साफ सुथरी हैं। पंजाबी जिम्मे कहने ना काने की तरह ने, काने की तरह ने, पिछलियाँ गामचियाँ भी काने तरह, और तुसी आप देख सकते हैं जो उनकी जड़ी हैगी है पिछे जड़ी शेप है, माशाल्लाह जिम्मे तुसी वेखे ना पहलवाना के पट्ट होंगे ने, वो पहलवाना के पट्टा वर्गी शेप हैगी है घोड़ी की, बिल्कुल गुलाई के जो तो बैठोंगे तो पता लगेगा सूफे सैट के उत्ते बैठ गया जी। ए नहीं है भी इधरों भी हड्डियाँ वजन दी ने, इधरों भी हड्डियाँ वजन दी ने, ऐसी कोई गल नहीं। तो लो जनाब असं वीडियो की तरफ आने, गल् बड़िया हो गई, थोड़ा वीडियो चैक कराने, वीडियो माशाल्लाह अच्छा जानवर हो तो हर चीज़ पता लग जाता है कि अच्छा जानवर। और दूसरी थोड़ा मैं एक होर दसा, इको ही कलर है जी, बिल्कुल इको कलर, चारे पैर के कोई दाग नहीं, ब्लैक रंग के उनके पैर है, और ब्लैक रंग दिया उनके बिल्कुल देख लोगे ना कैमरा, तुम्हें जरा कैमरामैन दिखाता तो उनके मुकम्मल तौर पर थलों लैके उत्तों तिकर उनकी हाइट जी है, उनके पूछल वेख सकते जे, पूछल के बाल वगैरह बिल्कुल थले ने, वो ए नहीं है कि किधर रेड़े का निशान हो, किधर गामची के उत्ते कोई निशान हो, या सीने के उत्ते सीने बन का निशान हो, या तो पता लगे पता नहीं रेड़े के लगी हुई है, कोई किसी किस्म के भी ये रेड़े के नहीं लगी हुई। और एक बारी सिर्फ मालक शुकीनी तौर के उत्ते सिर्फ इन उत्ते बैठा है, उस तो बाद इन उत्ते सवारी नहीं की गई। ये बिल्कुल माशाल्लाह घोड़ी पा के गई है, कोई चीज़ नहीं। अगर कोई नक्श कढ़ना चाहे, मैंने हाले तक तो कोई नक्श नहीं लभ्या कि मैं इन नक्श कढ़ के देनूं, मैं कह कि है गया, क्योंकि मैं अपनी नज़र न देख रहा और अपने तजर्बे देख रहा, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है घोड़ी। हूँ तुम मैं थोड़ा जि चला के दिखा ना, ताकि तुम्हें यह पता ना लगे कि जी ये घोड़ी तो चलती नहीं सी, तो घोड़ी टुटती नहीं सी, या घोड़ी के कोई ऐब सी, कोई भी जनाब घोड़ी के माशाल्लाह ऐब नहीं है, खूबसूरत है। अगर तुम बच्चे दे राइडिंग वास्ते लैना चाहते जे, अगर तुम बच्चे रखे ने और बच्चों की राइडिंग वास्ते अच्छा जानवर लैना चाह रहे जे, अच्छी घोड़ी लैना चाह रहे जे,
ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੋੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਹਿਮ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕਰੋ ਹਕਮਤ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਹੀਏ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਵਗੈਰਾ ਕਨੌਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੂਸਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨਾ, ਬਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉੱਕੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਟੀਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਧੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਘੋੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਧੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਸੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਲਦ ਦਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਟਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਆਪਣੀ ਲਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੌਮ ਰਗੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 4 ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਮਤ ਬਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇਹਦੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਫੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਬੰਨ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਛੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਜਨਾਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਘੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।